जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। दोस्तों, मैंने इसके बारे में एक पहला वीडियो बना चुका था, CISF का जो ऑफलाइन वैकेंसी आई हुई थी। आप देख लेना मेरे प्लेलिस्ट पर, इसका एक वीडियो होगा CISF का, जिसमें दोस्तों मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने उस पर आपको बताया था कि कांस्टेबल पद के लिए भी भर्ती आई हुई है। जी दोस्तों, आपने सही सुना, मैंने उस पर बताया था कांस्टेबल पद के लिए भर्ती आई और इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा है करके। तो सॉरी दोस्तों, वो मुझसे गलती हो गई थी, इसमें कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है, ASI की भर्ती आई हुई है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। दोस्तों, ये मुझसे गलती हो गई थी, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि उसमें कांस्टेबल पद के लिए वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो और आपको इसमें एक और कन्फ्यूजन है दोस्तों, मैंने अभी जाके पता किया हूँ ऑफलाइन पर वाले पास जाकर, तो दोस्तों उन्होंने मुझे एक और डाउट क्लियर करवाया कि ये वैकेंसी आप लोगों के लिए भी नहीं है करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये वैकेंसी कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। ठीक है, आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा पता चल पाएगा कि ये वैकेंसी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है करके। तो आप भी अपने मोबाइल पर इसको खोल सकते हो, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, CISF.government.in पर। तो आप भी अपने मोबाइल पर इसको सर्च करना गूगल पर, तो आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा और आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो एक PDF आपको डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और PDF डाउनलोड होने के बाद आपको सामने डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड होने के बाद आपको PDF कुछ इस प्रकार दिखेगी, तो आप वीडियो पर बाद आपको PDF कुछ इस प्रकार दिखेगी, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, महानिदेशालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है। अब मैं नीचे आपको बता दूं कि आपको सब जानकारी मैंने सही दी, तो दोस्तों इसमें वैकेंसी आई थी 690 करके, मैंने आपको सही बताया था, इसमें वैकेंसी आई थी 190। और नीचे आप जानकारी दे दूँ, देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ था, मैंने इसको देख कर आपको बता दिया था कि हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल की निकली हुई है। यहाँ दिया हुआ है ओनली हेड कॉन्स्टेबल, GD कॉन्स्टेबल, GD एंड कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन हु हैव कम्प्लीट 5 ईयर रेगुलर सर्विस इंक्लूड द पीरियड बेसिक ट्रेनिंग इन द ग्रेड ऑफ 5 ईयर्स कम्बाइंड रेगुलर सर्विस एंड हेड कॉन्स्टेबल GD कॉन्स्टेबल GD एंड कॉन्स्टेबल ऑन बिफोर 31 आर एलिजिबल और पार्टिसिपेट दिस लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये अपने लिए नहीं है ये वैकेंसी, ओनली एक्स सर्विस मैन के लिए ये वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक्स सर्विस मैन के लिए वैकेंसी है। इसके बारे में आपको और बाद में जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन और एजुकेशन के बारे में बात कर ली थी, जो मैंने आपको रॉन्ग दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसकी पोस्ट थी जोनल वाइज की, क्या है कैसा है करके। यहाँ पे और मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है सर्विस एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों सर्विस एलिजिबिलिटी की बात किया है यहाँ पे, कैंडिडेट शुल बी कम्बाइंड ईयर एट रेगुलर सर्विस इंक्लूड बेसिक ट्रेनिंग इन द ग्रेड ऑफ ईयर कम्बाइंड रेगुलर सर्विस एज कॉन्स्टेबल GD कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल और TMT का मतलब ट्रेडमैन का। दोस्तों ये इसका भी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा इसमें क्या फंडा है। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं, इसमें 35 ईयर तक आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो एज होनी चाहिए, आपकी जो एज 2/8/1985 से 1/8/2020 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपको रिलेशनशिप के रिलेशन के आधार पर आपको छूट भी दी जाएगी ST SC और OBC को। ठीक है दोस्तों, OBC को 3 ईयर की रहेगी और ST SC को 5 ईयर की मिलने वाली है। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो इसमें आपका ओनली ग्रेजुएशन लिया गया है और ग्रेजुएशन ASI पोस्ट के लिए लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इसका फिजिकली मैंने आपको सही बताया था, 170 सेंटीमीटर इसकी हाइट होने वाली मेल की, और फीमेल की 157 इसमें हाइट होने वाली। अलग अलग जोनल वाइज कैंडिडेट की इसमें हाइट अलग अलग है, आप देख सकते हो, यदि आप जिसमें आते हो आप देख लेंगे जी, देख लीजिएगा। और आपका चेस्ट तो दिया गया है 80 से 85, मतलब 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 85 आपका 5 आपका इंप्रेशन होना चाहिए। और फीम और कैंडिडेट का दिया 77+82। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की, आपकी जो आइस रैंक की नॉर्मल से नॉर्मल 9/6 की भी हो सकती है, और रोज़ 9 आपका नॉर्मल ही लिया जाएगा, इसमें ज़्यादा वो नहीं रहेगा, बेटर आपको 6/9 भी चल सकती है, आप जैसे कि देख रहे हो 6/9 है ना, तो ये आपका मेडिकल का हो जाएगा। ASI पद के लिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप देख सकते हो, अभी मैं इसका एक और लास्ट में दूंगा कि ये आपके लिए वैकेंसी क्यों नहीं है करके, ये लास्ट में बताऊँगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और पूरा आपका जो रहेगा कन्फ्यूजन पूरा
क्लियर कर दूंगा कि क्यों नहीं आपके लिए करके। इसमें पहला आपका चेकिंग सर्विस रिकॉर्ड रहेगा और दूसरा एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। मतलब आपका एग्ज़ाम होगा और आपका जो पेपर का जो मार्क्स रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स से मार्क्स के ऊपर जनरल इंटेलिजेंस आएगी और रीजनिंग आएगी, और जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज 50 मार्क्स का आएगा, और नंबरिकल अवेलेबिलिटी 50 मार्क्स की रहेगी, और कंप्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। इम्पोर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इट विल बी नेसेसरी इज कैंडिडेट टू सर्विस लेस्ट 45% मार्क्स इज द पार्ट ऑफ 50% एग्री रिलेशन 5% इज द कैंडिडेट एसटीएससी। एसटीएससी वालों के लिए आपके अपने लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा था स्टेज थ्री में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद में मैंने आपको बता दिया था 1.6 किलोमीटर आपका ग्राउंड होने वाला है, जो आपको मेल को 6:30 सेकंड में आपको पार करना है, और फीमेल को 800 मीटर रहेगा जिसको आपको 4 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, और आपका फिर सेकंड बार 100 मीटर का रेस होगा जिसमें 16 सेकंड में मेल को क्वालिफाई करना है, और 100 मीटर फीमेल का रहेगा जिसको 18 सेकंड में पार करना है। फिर आपका हाई जंप होगा 9 फीट का होगा, आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और महिलाओं का 3 फीट का होगा जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप 12 फीट का होगा फीमेल के लिए जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल के लिए 9 फीट होगा उसको भी 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुशअप की बात करें तो इसमें 16 LBC 45 8 फीट का रहेगा, उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, ओनली ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी थी, और अभी मैं बता दूं इसके लास्ट डेट अभी गई नहीं है, इसके लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपकी रहेगी 5/2/2021 को आपको रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके फॉर्म पहले से ही चालू हो गए हैं, इसके लास्ट डेट एक बार आपको और याद दिला दूं, 5/2/2021 को रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये पूरी जानकारी थी, मैं आपको अभी बता दिया हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग इसको अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आप मैं बताता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर दिया हुआ है, वन चेंज विल बी कैंडिडेट थर्ड कैंडिडेट हु हैज अटेंड द रिटर्न एग्जाम ऑफ द ASI एक्स सर्विसमैन। मतलब दोस्तों ये अपने लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये वैकेंसी है। और एक और आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये कैसे एक्स सर्विसमैन के लिए है। आप दोस्तों इसका जो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से इसका PDF आप चेक कर लेना, वहाँ देखिएगा आपको इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है वहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, आप ही अपने यहाँ पर देखना, CISF नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया, और रैंक दिया है। ये देखिए रैंक दिया है। अब यहाँ रैंक अपन लोग नॉर्मल लोग डाल पाएंगे क्या? नहीं डाल पाएंगे। यहाँ रैंक जो रहेगा जो पहले से ही, यहाँ देखिए अब तीसरे नंबर पर क्या दिया था, कैरेडे ओनली कॉन्स्टेबल GD कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन और हेड कॉन्स्टेबल GDN एलिजिबल। मतलब कि जो लोग CISF में कॉन्स्टेबल के पद पर थे, जो एक्स हो चुके हैं, मतलब अभी जो सर्विस करके बैठ चुके हैं, उनके लिए ASI पद के लिए निकली हुई है, मतलब वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक बार और बता दूँ, ये देखिए यहाँ रैंक दिया हुआ है और ट्रेडमैन ये दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल मैं खुद इसको अप्लाई करने के लिए गया था, तो वहाँ पर मुझे डायरेक्ट बोल दिया गया कि ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं है, बोले यहाँ इसका ऑफलाइन फॉर्म में देखिए यहाँ रैंक दिया हुआ है, मतलब आप कुछ रैंक में हो कि अभी, बोले अभी आप स्टडी कर रहे हो इसलिए आपके लिए ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपने देख लिया, तो ये पूरा क्लियर था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने यदि ये फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, आप ध्यान से सुनिए, जिस कैंडिडेट ने यदि इसको अप्लाई कर दिया है तो प्लीज़ यार वो मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि भाई मेरा फॉर्म भर गया करके। तो यार आप यदि बता सकते हो तो मुझे कांटेक्ट करना कि कैसे आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया करके, क्योंकि मैं गया था तो मुझे बोल दिया गया कि आपके लिए नहीं है, ये जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए ये है, जिसके क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में रैंक का इसमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यदि आपने डाला होगा तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मुझे कॉन्टैक्ट करना कि मेरा फॉर्म डल गया है करके, तो मुझे आप पूरी जानकारी देना और आप कॉमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।